आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम नान बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। एक कटोरी मैदा, आधी छोटी कटोरी दही, आधी कटोरी धनिया, 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 चौथाई चम्मच इनो, 1 चौथाई चम्मच कलौंजी, आधे चम्मच नमक और पानी। अब सबसे पहले हम मैदा को गूंद लेते हैं। मैदा गूंदने के लिए मैंने एक खाली बाउल लिया है। सबसे पहले मैदा, नमक, दही, ऑयल, थोड़ा हम बचा लेंगे ऑयल, और इनो, पानी डालकर हम इसको गूंद लेते हैं। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, क्योंकि एकदम हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो हमारा डो पतला हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा ही थोड़ा डालना है पानी। देखिए हमारा आटा इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस तरह से ही हम इसको चिकना करते रहेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और लगा लेते हैं और इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। 1 घंटा हो चुका है। हम मैदा को देख लेते हैं कि मैदा हमारी कितनी फूली है। हमारी मैदा पूरी तरह से फूल चुकी है। देखिए पूरी तरह से फूली हुई है। अब हम नान बनाना शुरू करते हैं। हमने मीडियम गैस पर तवा रख दिया और लोइयां बना ली है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने लोई उठा ली है और इसको आटे में लपेट लेते हैं। अब इसको हम आराम आराम से बेल लेते हैं। बिना तंदूर के भी आप घर में नान बना सकते हैं। इस तरह से आप आराम से बेल लें। नान को हमने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया थोड़ा सा ही डालना है, इतना ही। भूसी, ये कलौंजी, इनको भी डाल देते हैं और एक बार फिर बेलन से हम इसको ऐसे कर देते हैं। इसको हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, जैसे हम पराठे को मोटा रखते हैं इस तरह से हमें इसको भी थोड़ा मोटा ही रखना है। अब इसको उठाकर हम दूसरी साइड में पानी लगाकर तवे पर डाल देते हैं। इस तरह से हमको ज्यादा पानी नहीं लगाना, थोड़ा सा गीला ही करना है बस। ये हमने पानी लगा दिया है। अब इसको हम तवे पर डाल रहे हैं। इस तरह से ही हम अपने और नान तैयार कर लेते हैं। तवा आप लोहे का ही लें जिससे हमारे नान चिपक जाए इस पे। अब उस साइड से हमारी नान सिक चुकी है। अब हम इस तरह से तवे को उठाएंगे और इस तरह से हम देखते हुए सेकते रहेंगे, देखते भी रहेंगे और सेकते भी रहेंगे। इस तरह से हमें तवे को घुमा घुमा के चारों तरफ से सेकनी है। देखिए हमारी नान पूरी तरह से सिक चुकी है। अब इसको हम उतार लेते हैं। अब इसको हमने उतार लिया है। आप चाहे तो इस पर बटर भी लगा सकते हैं, ना चाहे तो ना लगाएं। हमारे नान खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना भी, कमेंट में बताना भी। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज के साथ।